ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਲਖ ਸ਼ਰਮਾ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ दरअसल तुहानू अज के इस पैकेज दे विच असीं तुहानू दस्सांगे कि सिर्फ अग्निपथ योजना ही नहीं इस तो पहला भी अपने 8 साल के इस कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने सेना दे लई किहड़े 5 वड्डे वड्डे फैसले लए ने हालांकि इन्हां नू सेना दी मरम्मत दे तौर ते देखिया जा रहा है पेश है इसे ते रिपोर्ट सेना च भर्ती लई नवी प्रक्रिया नूं लै के देश के कई हिस्सों में लगातार नौजवानों वालों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कई थावां ते इसका हिंसक रूप भी देखा जा रहा है उधर केंद्र सरकार ते सेना वालों साफ कह दिया गया है कि अग्निपथ स्कीम नूं वापस नहीं लिया जाएगा ते इसके फायदों बारे भी समझाया जा रहा है पर तुहानूं दस दईए कि यह कोई पहली स्कीम नहीं है जिस नूं मोदी सरकार सेना दे लई लैके आई है इस तों पहला भी मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों विच सेना विच 5 वड्डे बदलाव कीते हन यो बदलाव हन जिन्हां नूं सेना दी मुरम्मत दे तौर ते देखिया जा रहा है वन रैंक वन पेंशन सत्ता विच आउंदिया ही मोदी सरकार ने सेना विच जो सब तो वड्डा बदलाव कीता ओ सी वन रैंक वन पेंशन दा केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2015 नूं वन रैंक वन पेंशन योजना दी अधिसूचना जारी की इस विच कहा गया सी कि योजना 1 जुलाई 2014 तो प्रभावी मन्नी जाएगी इत्थे इह वी दस दईए कि सरकार दी इस योजना नाल 20 लाख तो वध साबका सैनिकां नूं लाभ मिलिया सीडीएस दी नियुक्ति मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल विच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 विच स्वतंत्रता दिहाड़े विच संबोधन करदिया इसका ऐलान किया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र सेना दे स्टाफ कमेटी के मुखिया का सैन्य प्रमुख हुंदा है जनरल बिपिन रावत नूं देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया सी उन्हां दी पिछले साल दिसंबर विच विमान हादसे विच मौत हो गई सी ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਡੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸੈਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬੇਹੱਦ ਸਰਲ ਹਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ सेना भारतीय वायु सेना और भारतीय नौ सेना का कोई भी कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सेना मुखी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के अहुदे दे योग हुंदा है नियुक्ति दे लई केंद्र सरकार नूं सैन्य अधिकारियों की योग्यता ते होर काबिलियतां दे आधार ते फैसला लेना हुंदा है सीडीएस भारतीय सशस्त्र बलों के सेवारत अधिकारियों दे विचों एक 4 सितारा रैंक का अधिकारी हुंदा है सेना प्रमुखों विचों फर्स्ट अमंग इक्वल्स हुंदा है ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸਮਾਨਾ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟਲਰੀ ਗਨ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਰਡਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ इस दा ऐलान करते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके नाल दिसंबर 2020 तो लेके दिसंबर 2025 दे विचकार लागू होगा रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले नाल रक्षा उत्पादन के मामले विच स्वदेशीकरण नूं बढ़ावा मिलेगा नवे थिएटर कमांड सेनावां दे आधुनिकीकरण अते थिएटर कमांड्स बनाउण दे लई भी नवें सिरे तों कवायद शुरू हो गई है तिन्नां सेनावां विच जल्द तों आम सहमति बनाउण दीआं कोशिशां तेज़ हो गईआं ने ताकि आजादी दिहाड़े ते लाल किले ते इसदा ऐलान कीता जा सके
दो साल पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले तो ही CTS के अहुदे नूं बनाउण दा ऐलान किया सी अते थिएटर कमांड्स बनाउण दी जिम्मेवारी भी उन्हां नूं ही सौंपी गई सी। थिएटर कमांड का मकसद भविख की सुरक्षा चुनौतियों के नाल निपटण दे लई तिना सेनावां नूं एक छत हेठां लियाउणा है। चार नवे थिएटर कमांड बनाउण ते बिपिन रावत काम कर रहे सी। रावत जिस थिएटर प्रोजेक्ट काम कर रहे सी, प्रोजेक्ट चीन ते पाकिस्तान तो आने वाले खतरों नाल निपटण विच अहम रोल अदा करेगा। दरअसल थिएटर कमांड से सब तो सही इस्तेमाल युद्ध के दौरान उस वेले हुंदा है जद भविख दी सुरक्षा चुनौतियों नाल निपटण दे लई तिना सेनावां प्रमुखां दे विचकार तालमेल हुंदा है। थिएटर कमांड्स नाल बनी रणनीति के अनुसार दुश्मन से अचूक वार करना सौखा हो जाता है। तिना सेनावां दे संसाधनां ते हथियारां दा इस्तेमाल इक्को सार कीता जा सकता है। अग्निपथ योजना हुण वारी आउंदी है अग्निपथ योजना की। तदों दस्सिए कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 नौजवानों नूं सशस्त्र बलों विच शामिल किया जाएगा। योजना मुताबिक नौजवानों की भर्ती 4 साल के लिए होगी तो उन्होंने अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर की उम्र 17 से 21 साल के विचकार होगी तो 30 से 40 हज़ार प्रति महीना उन्हों की तनख्वाह होगी। योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% नौजवानों को सेना में आगे मौका मिलेगा तो बाकी 75% नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट जगबल टीवी। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਰੁਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।